तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो श्रीराम टीएनपीएल लीग है इसका भाई जो आज के दिन का एकमात्र मैच और टूर्नामेंट का भाई 24वां मैच जो कि खेला जाएगा यहाँ पर त्रिपुर तमिनाज वर्सेज मदुराई पैंथर्स के बीच में यानी कि ITT वर्सेज SMP के बीच में। तो दोनों ही टीम्स के यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। एक एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे भाई कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं मेरे भाई कि यहाँ पर है ना जो लॉजिकल चीजें हैं वो आपके ज्यादा काम आएंगी बजाय स्टैट्स के, क्योंकि स्टैट्स भाई मैच के मतलब टूर्नामेंट के स्टार्टिंग के मैचेस के लिए होते हैं, बाद में भाई सिर्फ और सिर्फ आपका लॉजिक आपको विनिंग करवाएगा। तो ये चीज आपको जरूर से ध्यान में रखनी है। अब अगर बात करें भाई इस मैच की तो भाई मैच काफी शानदार होने वाला है। 1 करोड़ रुपए की ग्रैंड लीग इसमें लगी हुई है। सारी बातें करेंगे मैं आपको, कुछ GL की रोटेशन बताऊंगा कि किन से किन किन प्लेयर्स को रोटेट कर सकते हो, कुछ बताऊंगा भाई मैं आपको स्मॉल लीग के लिए ट्रंप कार्ड पिक्स, और भाई अभी मैं आपको टीम भी बना के दिखाने वाला हूं। लेकिन भाई सबसे पहले तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक काफी ज्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए और ज्यादा मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियोज बनाने के लिए। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी देखिए हम जो भी बात करेंगे इस वीडियो के बाद जो भी मेरी फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर अपडेट होकर मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के बाद अब इस मैच की जो भी अपडेट आएगी ना वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसी वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में आपको मिल जाएगा। तो जाके भाई टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब चलिए भाई यहाँ पर बात करते हैं मैच के बारे में कि दोनों टीम्स ने अभी तक टूर्नामेंट में क्या परफॉर्मेंस की है, लास्ट मैच में कौन सी टीम ने क्या कुछ परफॉर्मेंस की है। तो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और यहाँ से भाई आपको कोई भी पार्ट अब वीडियो का स्किप नहीं करना है, क्योंकि अब हम आ चुके भाई ऐसी जगह जहाँ पर भाई मतलब आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन से प्लेयर आपको 1 करोड़ की GL में आगे लेके जाएंगे और कौन से प्लेयर आपको स्मॉल लीग में अच्छी खासी विनिंग करवाने वाले हैं। तो अब चलिए भाई यहाँ पर बात कर लेते हैं मैच के बारे में। तो जो मैच भाई दोनों टीम्स के बीच की बात करें तो भाई यहां पर सबसे पहले पॉइंट्स टेबल में देख लेते हैं, तो जो भाई मदुराई की टीम है वो भाई नंबर 3 पर है, 5 मैच में से 4 मैच जीत रखे हैं। वहीं अगर बात करें तो सिर्फ 1 मैच इन्होंने अपना हारा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ITT की बात करें तो भाई 5 मैच में से 2 मैच इन्होंने विन किए, 3 मैच ये अपने हार के आ रहे हैं और टूर्नामेंट में 6th नंबर पर ये लगे हुए हैं। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर दोनों टीम्स के लास्ट मैचेज की, तो यहाँ पर भाई देखिए जो ITT की टीम है ये भाई अपना लास्ट मैच हार के आ रही है, और यहाँ पर अगर बात करें तो हार के किसके आ रहे किसके साथ आ रहे भाई है LKK की टीम के साथ यहाँ पर हार कर आ रही है। पहले भाई इनकी बैटिंग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भाई बात करेंगे एस अरविंद की, यहाँ पर भाई अच्छी शुरुआत दी, 31 बॉल पर इन्होंने यहाँ पर 27 रन बनाए। हालांकि इनिंग स्लो थी लेकिन भाई यहाँ पर टीम को एक ठोस शुरुआत दे दी थी। वहीं अगर बात करें तो श्रीकांत अनिरुद्धा ने यहाँ पर अच्छी नोक खेली, 21 बॉल पर उन्हें 39 रन भाई यहाँ से इन्होंने बनाए। वहीं भाई अगर बात करें यहाँ पर दिनेश कार्तिक की, तो भाई ये अब वापस आ चुके हैं इंग्लैंड दौरे से, तो ये भी भाई अब आपको खेलते दिखेंगे। 16 बॉल पर 21 रन की नोक इन्होंने खेली। तुषार रायजा की बात करें तो भाई 14 बॉल पर इन्होंने यहाँ से 20 रन बनाए। इसके अलावा रवि राजकुमार की बात करें तो भाई यहाँ से इन्होंने 14 रन बनाए। नीचे भाई अगर बात करें तो जो एस आनंद फ्लोप रहे, एम मोहम्मद फ्लोप रहे, एम बाफना की बात करें तो भाई 10 बॉल पर 20 रन इन्होंने बनाए। इसके अलावा 7 बॉल पर 10 रन बनाए भाई अश्विन कृष्ण ने। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बैट्समैन कौन कौन रहेंगे यहाँ पर भाई, दोनों तो ओपनर आपको अपनी टीम में रखने, इसके अलावा दिनेश कार्तिक आपके लिए मस्ट ऑफ पिक रह गए, 3 तो आपके लिए मस्ट ऑफ पिक यहाँ से रहने वाले। बाकी भाई अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि कौन से प्लेयर आपके लिए कहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से गेंदबाजी में बात करें तो भाई एस मोहन प्रसाद की बात करेंगे तो आप देख सकते हो 4 ओवर में 27 रन दिए, यहाँ से विकेटलेस रहे। इसके अलावा बात करें भाई यहाँ पर आप देख सकते हो जो साथिया नारायण एल हैं, इन्होंने 3 ओवर डाले, 1 विकेट निकाले, महंगे काफ़ी साबित हुए लेकिन विकेट भी इन्होंने यहाँ से निकाला था। एम मोहम्मद की बात करें तो नंबर भाई 5-6 पर बैटिंग करके देगा, प्लस 4 ओवर की गेंदबाजी आपको मोस्टली मैचेज में करके दे देगा, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ही ओवर डाले, 3रा ओवर डाल रहा था और भाई यहाँ पर 15 रन इन्होंने दिए। इसके अलावा अगर बात करें तो भाई यहाँ पर आप
अश्विन क्रिस्ट को देख सकते हो, यहाँ पर 2 ओवर इन्होंने डाले, 32 रन दिए। रवि राजकुमार ने 1 ओवर डाला। एमान बाफना की बात करें तो भाई इनसे टीम को ज़्यादा बॉलिंग करवानी चाहिए क्योंकि काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इन्होंने यहाँ पर भाई 1 ओवर में 14 रन दिया है। सरविंद ने भी भाई यहाँ पर 2 ओवर डाले थे और यहाँ पर भाई इन्होंने यहाँ से 23 रन दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है यहाँ पर भाई टॉप 3 आपके लिए मस्ट हैव पिक रहेंगे। इसके अलावा भाई बात करें तो यहाँ पर भाई आप तुषार राहेजा को ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में काफ़ी रिस्की पिक रहेंगे। वहीं अगर बात करें तो रवि राजकुमार को आप ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग में भी। इसके अलावा एम मोहम्मद एम बाफना, ये भाई और प्लेयर है जो आपको अपनी टीम में रखने। नीचे अगर बात करें तो भाई यहाँ पर SL को या फिर भाई SM प्रसाद, दोनों में से किसी एक को आपको ट्राई करना क्योंकि दोनों भाई टीम के स्ट्राइक गेंदबाज है, दोनों ही 4 ओवर कंप्लीट डालेंगे। अगर आप चाहो तो आप यहाँ से ऊपर से भाई ऐसा अनिरुद्धा के ऊपर रिस्क लेकर या फिर दिनेश कार्तिक जैसे बड़े प्लेयर पर रिस्क लेकर आप दोनों बॉलर्स के साथ भी जा सकते हो। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर जो सामने वाली टीम है SMP की टीम, तो यहाँ पर भाई उनकी भी बात करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर भाई ये अपना लास्ट मैच 39 रन से विन कर आ रहे हैं। तो पहले भाई बैटिंग की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर भाई बात करें तो के राजकुमार ने यहाँ पर 26 बॉल पर 29 रन बनाए। अरुण कार्तिक की बात करें तो 13 बॉल पर 13 रन बनाए। अलंकित टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहा है। विघ्नेश अय्यर की बात करें तो भाई 16 रन इन्होंने बनाए। इसके अलावा भाई यहाँ पर बात करें सागर सरन गर्जन चतुर्वेद की बात करें तो 24 बॉल पर 34 रन इन्होंने बनाए। ऋतिक ईश्वरन की बात करें तो नंबर 5 पर बैटिंग करने आए थे, 27 बॉल पर 41 रन इन्होंने बनाए। नीचे भाई बैटिंग में किसी ने कुछ खास किया नहीं। अब आ जाते हैं भाई गेंदबाजी में। यहाँ पर अगर गेंदबाजी की बात करें तो काफ़ी शानदार रहे। यहाँ पर अगर बात करें आर सिलम बरसन की तो 4 ओवर में 4 विकेट इन्होंने निकाले। सनी संधू अगेन शानदार प्लेयर रहे, यहाँ पर 3 ओवर में 1 विकेट निकाला। पी जो सरवनन है इनकी अगर बात करें तो 4 ओवर में भाई सिर्फ 9 रन देकर 2 विकेट इन्होंने निकाले। इसके अलावा भाई बात करें ओशिक श्रीनिवास की तो इन्होंने भाई 3 ओवर डाले, हालांकि यहाँ से ये विकेटलेस गए थे। बी रॉकी की बात करें तो 3 ओवर इन्होंने डाले थे, यहाँ से भाई इन्होंने भी अच्छी खासी 2 विकेट निकाली थी। वहीं अगर बात करें जगदीशन कौशिक की तो 3 ओवर में 18 रन दिए, हालांकि यहाँ से विकेटलेस गए थे। अब अगर बात करें भाई इनकी टीम की तो यहाँ से भाई आपके लिए ओपनर दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। विघ्नेश अय्यर को आप ट्राई कर सकते हो, विघ्नेश अय्यर और एन चतुर्वेद दोनों में से किसी एक को ट्राई कीजिएगा। आर ईश्वरन बात करें तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। सनी संधु मस्ट हैव पिक रहेगा। आर रघुपति आपके लिए मस्ट हैव पिक रहेगा। यहाँ पर भाई देखिए ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर SMP की टीम ही इस मैच को विन करे क्योंकि इनके मोस्टली प्लेयर्स फॉर्म में, तो आप 7-4 का रेशियो लेके चल सकते हो इनके फेवर में। वहीं अगर बात करें ग्रैंड लीग के लिए तो भाई यहाँ से आप अरुण कार्तिक को और यहाँ से भाई के राजकुमार और विघ्नेश अय्यर इन तीनों को एक एक टीम में कैप्टनसी आप देकर उतार सकते हो क्योंकि तीनों में से कन्फर्म है कि कोई ना कोई एक यहाँ से जरूर ज्यादा से मतलब 90% कंफर्म है कि कोई ना कोई एक तो यहां से परफॉर्मेंस लेकर ही आएगा आपके लिए। वहीं अगर बात करें भाई यहां पर डेमो टीम की तो वो मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूँ, लेकिन अगेन भाई इस वीडियो के बाद जो भी मेरी फाइनल अपडेट आएगी, जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी, वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल आपको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो भाई अरुण कार्तिक मस्ट हैव पिक रहेगा। यहाँ से अगर बात करें तो भाई दिनेश कार्तिक को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। आर ईश्वरन की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहेगा, ज़रूर से आप ट्राई कर सकते हो। सिर्फ 2 ही मैच खेले भाई इन्होंने, यहाँ पर 2 मैच में इन्होंने भाई काफी अच्छे यहाँ पर पॉइंट निकाले, आप देख सकते हो। ठीक है, वही अगर बात करें भाई यहाँ पर जो आर ईश्वरन ने इनके अगेंस्ट में क्या बात जाती है, इनके अगेंस्ट में जाती है इनका बैटिंग ऑर्डर। नंबर 6 पर या 5 पर बैटिंग करने आएगा, जहां पर भाई मोस्टली मैचेस में इन्हें ज़्यादा गेंदबाजी खेलने का मौका नहीं मिलेगा। इसकी जगह पर भाई अगर आप चाहो तो आप यहां पर भाई श्रीकांत अनिरुद्ध को ट्राई कर सकते हो, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पर मेरे को लग रहा है। ठीक है, बाकी अगर आप चाहो तो भाई यहाँ पर सिर्फ 2 ही विकेटकीपर के साथ जा सकते हो या इवन 1 के साथ भी जा सकते हो। यहाँ से मैच थोड़ा सा रिस्की रहेगा, तो ग्रैंड लीग को टारगेट ज़्यादा करना, बाकी स्मॉल लीग की जो फाइनल टीम रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर जरूर से प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें पिच की तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, जो ऊपर यहाँ पर फैन कोड की तरफ से न्यूज आ रही है कि अच्छी विकेट है स्पिन के लिए। एवरेज स्कोर भाई यहाँ पर 115 का रहा है, तो आप मान सकते हो कि यहाँ पर स्पिनर्स को थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प मिलने वाली है। बैटिंग सेक्शन में बात करें तो एन चतुर्वेद हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बी अनिरुद्ध सीताराम अगर खेलता है तो मस्ट हैव पिक यहाँ से रहेगा। एस अरविंद बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा, तो भाई एक शानदार प्लेयर आपके लिए यहाँ से रहने वाला है। इसके अलावा के राजकुमार को आप चाहो तो ट्राई
कर सकते हो, ओपनिंग कर रहा है, हालांकि गेंदबाजी का भाई कंफर्म कह नहीं सकते। यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पर भाई एम मोहम्मद आपके लिए मस्ट ऑफ पिक रहेगा। नीचे अगर बात करें तो एम बाफना आपके लिए मस्ट ऑफ पिक रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर सनी संधू फास्ट बॉलर है, टीम के स्टार्टिंग के ओवर डालता है, पावर प्ले के ओवर डालता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, डेथ में भी गेंदबाजी कर सकता है। वहीं अगर बात करें बॉलिंग सेक्शन की तो एक रिस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर अगर बात करें तो भाई किरण आकाश अगर खेलता है तो इंपॉर्टेंट प्लेयर, अगर ट्राई कर सकते हो। वरुण चक्रवर्ती अगर खेलता है तो भाई काफ़ी ज़्यादा शानदार प्लेयर रहेगा, 100% आपकी टीम में उस कंडीशन में ये रहना ही रहना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। वहीं अगर बात करें यहाँ पर भाई आर सिलंबरन की तो मस्ट ऑफ पिक आपके लिए यहाँ से ये रहेगा। स्टार्टिंग बॉलिंग करेगा, डेथ में बॉलिंग करेगा, लगातार अच्छी बॉलिंग करके विकेट निकाल रहा है। सी वी सी की यहाँ से बात कर लेंगे तो भाई जो कैप्टनसी जाएगी वो भाई अभी के लिए मेरे मोहम्मद को जाएगी। बाकी यहाँ से वी सी की बात करें तो मैं यहाँ से बनाने वाला हूँ एस एम पी के विकेट कीपर बैट्समैन यहाँ पर अरुण कार्तिक को। बाकी अगर आप चाहो तो यहाँ से कैप्टनसी इसी देखे वी सी भाई आप ऐसे अरविंद को भी दे सकते हो, क्योंकि ये भी भाई लगातार बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों आपको करके देगा, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ से आपके लिए रहेगा। या फिर अगर भाई एस एम पी की टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करती है यानी कि पहले बैटिंग आती है तो वरुण चक्रवर्ती भी वी सी के एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए रहेंगे। बट अभी के लिए मैं इस टीम को सेव कर रहा हूँ। अगर भाई यहाँ पर इस वीडियो के बाद कोई भी अपडेट आती है, जैसे टॉस के बाद कोई प्लेयर नहीं खेलता है या कोई और भी अपडेट, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर ही दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और हम एक दूसरे से कनेक्ट भी हो जाएंगे। यहाँ पर भाई मैं आपको सिर्फ वीडियो मैं बोलता हूँ, आप सिर्फ सुनते हो, और वहाँ पर आप मेरे से सवाल भी पूछ सकते हो, डाउट भी क्लियर कर सकते हो, सारी चीज़ें मैंने आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल करवा रखी हैं। तो जाइए भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।